बिहार की करीब सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कोसी, बागमती, गंडक और गंगा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ पहुंचे और कंगन घाट तक गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के कंगन घाट, काली घाट, गांधी घाट और कृष्ण घाट पर रुककर गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार ने अशोक राजपथ को जेपी गंगा पथ से मिलाने वाले कृष्णा घाट पर निर्माणाधीन अप्रोच रोड की भी जानकारी ली और तेजी से निर्माण पूर्ण करने का दिशा निर्देश दिया। गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए अलर्ट रहने और सारी तैयारी पूर्ण रखने के निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त, सहजल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी साथ रहे। बता दें कि गंगा नदी पटना के गांधी घाट और भागलपुर जिले के कहलगांव में लाल निशान के ऊपर पहुंच गई है। नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा नदी में उफान से दियारा के साथ पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इससे गंगा नदी से सटे गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक प्रदेश की सभी नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर जेडीयू मंत्री विजय चौधरी ने भी बहुत कुछ कहा है। देखिए, अभी तत्काल की जो हालत है, सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत आ रहा है, क्योंकि जो सोन का वर्षा ग्रहण क्षेत्र है, जो इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड के इलाके तक जो उसकी सहायक नदियां हैं, उन सब क्षेत्रों में लगातार अधिक वर्षा के कारण सोन नदी में जलस्राव लगातार बढ़ा हुआ है। वैसे अभी कोसी में भी हम बढ़ा हुआ जलस्राव ही कहेंगे, लेकिन अभी सबसे अधिक सोन में है। और चूंकि सोन में फिर रिहांद नदी, उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं और सब अंत में गंगा में मिलती हैं, तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता, जो अक्राम्य स्थल है, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उस सब पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं और जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य होगा वो सब किए जाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।